पूछना चाहती हूँ। हाँ, आपने ध्वजारोहण की इतनी सारी तैयारियाँ की, इतना कुछ अरेंज भी किया, लेकिन आप ही नहीं कर पाए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं फिर से वही बात कहूँगा रीटा, कि मुझे बेहद आनंद और गर्व की लागणी हो रही है कि जो असली हकदार था उसे आज ध्वजारोहण करने का मौका मिला। मतलब जो देशभक्ति, जो देश प्रेम तो इस्माइल भाई ने दिखाया है, वो पिछले कई सालों में मैंने देखा नहीं है। पनवेल रहते हैं, पनवेल वहां से ये आए राष्ट्रध्वज देने के लिए, किसके लिए? उनका क्या स्वार्थ था? तो हमारे लिए वो इतना कुछ करते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो मैंने वही किया जो एक सच्चे भारतीय नागरिक को करना चाहिए। तो इस्माइल भाई ने आज हम सबके फेस पे स्माइल ला दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस्माइल भाई के फेस पे स्माइल लाए। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले लोग, खास तौर की जेठालाल जी, इस वक्त कितने ज्यादा खुश है। गोकुलधाम सोसाइटी में आज एक बहुत ही अलग तरीके से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का ये दिन। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। खाना पापड़ा जलेबी, इनको भी खिलाना बहुत है। चलो चलो हम भी खाते हैं। भाई तू खा लिया ये नहीं? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आपको खाने ही पड़ेगा, कुछ खाने नहीं खा लिया। अरे तुम्हारी प्लेट कहाँ है? हाँ टप्पू। हाँ बोलिए बेटे अंकल। 15 अगस्त का प्रोग्राम तो अच्छे से संपन्न हो गया जो मैंने अरेंज किया था, अभी जन्माष्टमी के प्रोग्राम की क्या व्यवस्था है? अरे बेटे अंकल आप चिंता मत कीजिए, जन्माष्टमी की सारी प्लानिंग हो चुकी है। सुनो प्लीज अनाउंस। सुनिए 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 एवरीवन। तो आज शाम को हम सब क्लब हाउस में कृष्ण जन्म के लिए मिलेंगे, और उसके लिए सबको स्पेशल कपड़े पहन के आने हैं, जो स्पेशल कपड़े आपके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। तो प्लीज बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम? हाँ मंजा मंजा का बेड़े वर्तिया, तुम्हें ऐकला ना बराबर, खूब लेट करते तुम्हें। मुझे ही बोल रहा है कि लेट आओ, क्या है कमाल है। तो फिर तेरा, हम सब आज रात को मिल रहे हैं जन्माष्टमी के लिए। लेकिन कुछ भी बोलो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त के प्रोग्राम में पंगा होते होते रहेगा। अरे मत पूछो फ्रेंड्स, राष्ट्रध्वज नहीं मिलने पर जेठा अंकल एकदम पाव भाजी के तवे जितना गर्म हो गए थे, उनके कान से धुआं भी निकल रहा था। फ्रेंड्स अब हमसे जन्माष्टमी के प्रोग्राम में ऐसी कोई भी गलती हुई ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। यस, हमें तो अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, और देखो फ्रेंड्स सारी चीज ना 2 से 3 बार चेक करो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ टप्पू फिकर नॉट। और सुनो सभी के जन्माष्टमी के कपड़े आ गए ना? हाँ हाँ आ भी गए हैं और सबके घर पे पहुंचा भी दिए। हाँ ग्रेट। और पिंकू सारी तैयारियां हो गई ना, कुछ बाकी नहीं रहा ना? डोंट वरी टप्पू, सब हो गया है। और फ्रेंड्स जन्माष्टमी के सरप्राइज के बारे में किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया ना? नहीं। अरे हाँ गोगी, तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती है, तूने किसी को बोला नहीं है ना? देखा पता नहीं है ना। अरे फिकर नॉट, ओए मैं भी वड्डा हो गया हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, सारी तैयारियाँ हो चुकी है ना, कुछ बाकी नहीं रहा ना? यस हो गई है। पर क्या? एक मिनट बताता हूँ, ये देखो। ये क्या है? फ्रेंड्स ये जो हम लोग ने जन्माष्टमी का लाइटिंग डेकोरेशन किया ना, उसके बिल्स है। बापरे इतने सारे बिल्स देख के लग रहा है पक्का बजट के बाहर हो गया होगा। अरे
ऐसे होगा नहीं सोनू, 100% सोसाइटी बजट के बाहर गया है। बाप रे, मुझे तो बाबा का रिएक्शन सोच के डर लग रहा है, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ यार, अगर ओवर बजट गए तो भीड़ अंकल बहुत डांटेंगे। हाँ। टप्पू, ऐसे सीरियस फेस बनाकर क्या सोच रहा है? कुछ हल निकालना पड़ेगा यार। हाँ। नहीं तो जन्माष्टमी में मटकी फूटे या ना फूटे, हम जरूर फूट जाएंगे भीड़ अंकल के हाथों। Don't worry friends, मेरे पास इसके लिए भी एक आइडिया है। क्या? अरे वो सब छोड़ो यार, अभी तुम लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम पे फोकस करो। ये बिल की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है टप्पू, तू कह रहा है तो तुझ पर भरोसा है। बोलो नंद कह रहा नंद भयो, हाथी घोड़ा बाल की। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। वाह 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 टप्पू सेना, ओ तुसी ते कमाल कर देता। वो हर बार की तरह इस बार भी पिडू को कोई शिकायत का मौका नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे शिकायत का मौका मिलेगा भी कैसे सोड़ी, कितना अप्रतिम डेकोरेशन किया है, क्या बात है डब्बू से ना। वाह, थैंक यू भीड़ अंकल, थैंक यू थैंक यू। और भीड़ा कपड़े तो देख, सबके कपड़े कितने बढ़िया किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हां अप्रतिम, सुपर सुपर। सच में डब्बू से ना ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज की भूमि खोज उठकर यहां आ गई हो। हां बापू जी। हां बिल्कुल चाचा जी, आपने ये बात बिल्कुल सोले आने सच कही है। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे ये वही गोकुल है जहाँ नटखट नंदलाल ने अपना बचपन बिताया, जहाँ उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया था, जहाँ गोवर्धन को उंगली पे उठा लिया था, जहाँ गायों को चराते थे, जहाँ मक्खन चुरा के खाते थे, जहाँ रासलीलाएं करते थे, जहाँ बंसी से अपने सुर बिखेर देते थे, जहाँ गोपियों का मन मोह लेते थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वही धरती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीलाएं की। सही बात है मेहता साहब। अरे वाह टप्पू सेना, तुम लोगों ने तो आज हम लोगों को अद्भुत आनंद करा दिया, मजा आ गया। थैंक यू। राधे 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 राधे। अरे मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मेरी सारी बहनें अभी तक नहीं आई। हवा सर पोपट अंकल वो सब तैयार हो रहे, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ। सब बहुत बढ़िया हाँ। लग रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। जी हम आ गए। राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप तीनों का हार्दिक स्वागत करता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आत्माराम जी। अगबी ये आत्मा का खात्मा कर दिया। अरे आत्माराम खात्माराम नहीं। सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई।
अरे भाई अभी आदत डाल ले, उसका यही पैदाइशी प्रॉब्लम है। उसको किसी का नाम याद ही नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम के ग्वालो और गोपियो, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्म का उत्सव शुरू करने की घोषणा करता हूँ। चलिए चलिए, श्री कृष्ण जन्म का समय हो चुका है। और बहनों, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। ओहो, सरप्राइज? टपूसला क्या है? टपूसला कहाँ गई? अरे अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई इतनी देर में? हाँ, अभी तो हम सबके साथ नाच रहे थे, कितनी चले गई पूरी टपूसेना? हाँ भाई अब्दुल, टपूसेना ने नीचे कंपाउंड में कई हंडी फोड़ने का आयोजन किया है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग नीचे आइए और दही हंडी फोड़ने का आनंद लीजिए।
कंपाउंड कितना मस्त सजाया है। अंदर डेकोरेशन किया टप्पू सेना ने। हाँ बहुत बढ़िया। एक चीज पे ध्यान दिया तुमने पपटल? क्या? देखो इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जेठालाल ने बैनर लगवाया है, उधर सोडी ने अपने गैराज का बैनर लगवाया है। हाँ रवि तो लगवाना चाहिए था ना भाई, तूफान एक्सप्रेस का वो तुम्हारा थोड़ी है। अरे भाई तुम्हारा अपना बैनर ताकि तुम्हारा प्रचार। हाँ गोल्डन क्रो विनर, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल चिरकुमारा। नहीं क्या है कि ये लगता ना तो लोग देखते, लोगों को पता चलता कि यहाँ पे एक विवाह योग्य आदमी लड़का रहता है। वाह 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 बेटा साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है, पहले बताना चाहिए था। मेरे पास तो एक और अच्छा आइडिया है। हाँ? मैं तो क्या कहता हूँ, जहाँ से गोकुल धाम का अपना रास्ता आता ना वहाँ हाईवे पे एक बड़ा होर्डिंग लगवा दो, विवाह उत्सुक पोपटलाल इधर रहते हैं। सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा छोटा लगवा दो। अरे आप भी कहो टप्पू से लोगों को मानना पड़ेगा, जब भी जिम्मेदारी लेती है बढ़िया ढंग से निभाती है। क्या डेकोरेशन किया है यार। टप्पू तो बहुत होशियार है, आखिर बेटा किसका है? क्या कहा? मैंने बोला पोता किसका है। नहीं नहीं जेठा तुमने बोला बेटा किसका है। अरे तब बापू जी का भी बेटा ही हो ना, पोता बेटा ही है ना। आया त्योहार भाई आया त्योहार, भक्ति में लीन हुआ सारा संसार, कान्हा की लीला से सबको है प्यार, मैया यशोदा का छल के दुलार, दही की हांडी और खुशियों की फुहार, माखन चुराने आए हैं नंदलाल। जी हाँ गोकुलाष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है गोकुल धाम में, मटकी बांधी जा चुकी है और गोविंदा बन के टप्पू सेना आ चुकी है, और देखते हैं कि टप्पू किस तरह से फोड़ता है मटकी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए और कहिए मेरे साथ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आती घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.